मेरे तो बस पानी दे दियो खाना खा के, नॉर्मल दे दियो। हेलो 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 गाइस, तो कैसे हो भाई सभी लोग। स्वागत है एक और नई लाइव स्ट्रीम में पैल वर्ल्ड की, और हम हो चुके हैं मैक्स लेवल के। वेट अ सेकेंड, मेरे को साउंड बढ़ाना था इसका थोड़ा। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। अरे यार एक सेकेंड गाइस, मैं डिस्कॉर्ड ऑन कर लेता हूँ। यार डिस्कॉर्ड ऑन नहीं क्या। एंड गेमिंग, हेलो भाई कैसे हो। एंड गेमिंग, गोस्ट गेमर कैसे हो भाई। मिजानूर कैसे हो ब्रो, वेलकम। सभी लोगों का स्वागत है गाइस। आज का जो स्ट्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई साहब, क्योंकि आज हम करने वाले हैं किसी तगड़े बंदे को टेम। हेलो डेविल गेमर कैसे हो ब्रो, वेलकम। हेलो सोमेन पांडा कैसे हो ब्रो। आदर्श गौर कैसे हो ब्रो, वेलकम। जैत अंटील सिव बैरा, सभी लोगों का स्वागत है भाई। एंड यार एक चीज़ और भाई, मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। देखो मैंने, पता है क्या, मेरा बेस यहाँ पे था ना, तो यार मेरे को काफ़ी लोग कह रहे कि यहाँ पे ना बेस अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा ब्लैक एंड वाइट सा लुक है। तो अबे डिस्कॉर्ड ऑन नहीं हुआ मेरा। ओके हो गया डिस्कॉर्ड ऑन। ठीक है नाइस। तो मैं कह रहा था कि भाई सब लोग कह रहे कि यहाँ पे ना ये ब्लैक एंड वाइट जैसा लग रहा है। और एक चीज़ और हो रही थी, यहाँ पे मेरे पाल्स ग्लिच हो रहे थे। मतलब मैं कहीं पर भी जा रहा था एडवेंचर के लिए, तो वो फार्मिंग नहीं कर रहे थे यहाँ पे। हो सकता है यहाँ पे वो चेस्टे स्पॉन होती है इस वजह से ना कर रहे हो, या कुछ और भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। बट वो कुछ तो ग्लिच था यहाँ पे, जिसकी वजह से भाई मैंने अपना बेस जो है शिफ्ट कर लिया है। और मैंने जो अपना बेस अब बहुत बढ़िया शिफ्ट किया है ऑफलाइन। हेलो पाजी, लव फ्रॉम पाकिस्तान। चकवाल हेलो डेविल भाई कैसे हो ब्रो, वेलकम। तो भाई मैंने अपना बेस एक ऐसी जगह पे बनाया है जहाँ पे बहुत खुला एरिया है। मतलब ये देख रहे हो, ये है मेरा एरिया, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा खुला एरिया। और मैंने अपना बेस जो है पूरा मैक्स लेवल का कर दिया है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखो पूरा 20 लेवल का है, इनहेंस टू मैक्स। मेरा जो बेस है वो पूरा मैक्स लेवल का हो चुका है। एंड वन मोर थिंग यार, कि अपन को ना आज डेक जेट ड्रैगन पकड़ना है, ठीक है। और जेट ड्रैगन को बहुत सारे जेट ड्रैगन पकड़ेंगे, मतलब ब्रीड करवा के बहुत सारे कर देंगे। देखो मेरे पास सब कुछ मैक्स लेवल का है। मेरे पास ये स्पेयर असेंबली लाइन है, ये भी मैक्स है, और ये भी मैक्स है पावर, और ये वेपन वाली भी मैक्स है। प्लस जो मैंने फर्नेस है ना, फर्नेस और जिसमें हम केक बना रहे थे, यानी कि हमारा कुकर, तो कुकर को भाई मैंने इलेक्ट्रिक कुकर में कन्वर्ट कर दिया है। और लिटरली भाई अगर मैं आप लोगों को इसकी स्पीड दिखाऊँ ना, इसकी स्पीड इतनी टॉप नॉच है। देखो वो आ रहा है करने के लिए इग्नाइस, जो हमने लास्ट स्ट्रीम में पकड़ा था। तो ये देखना कितनी जल्दी केक बनाएगा। ये देखो गाइस भाई, केक बनने की तुम लोग स्पीड देखो यार, क्या मस्त है। देख रहे हो कितना जल्दी केक बन रहा है। मतलब आज हम बहुत सारे केक बना सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि मेरे पास एक से ज़्यादा कुकर है, तो इसमें भी हम काम करवा सकते हैं। देखो एक केक तो बनने भी वाला है बातों बातों में। और ये तो हो गया हमारा बेस, ठीक है। और हाँ यार एक चीज़ और, बेस में ये जो बड़ी वाली चेस्ट है, दो मैंने लगाई है। एक चेस्ट में जो है कुछ कीमती सामान है, और दवाइयाँ हैं और अंडे हैं जिनको मैं बेच सकता हूँ। दवाइयों को, दवाइयों कह रहे ये बेचेंगे नहीं यार इनको, इसमें सेफायर और एमरल्ड है, इसको बेच देंगे। सेफायर और एमरल्ड को अच्छे रेट मिलेंगे। यहाँ पे मैं रखूँगा भाई अपने जो स्कैमेटिक वगैरह है, कीमती गन्स वगैरह मिलेंगी मेरे को, वो रखूँगा। और इस वाले बैरल में रखूँगा मैं अपनी फार्मिंग, और इसमें रखेंगे हम खाना, ठीक है। कभी कभार फार्मिंग भी इसमें चली जाती है, आई डोंट नो कैसे, शायद वो
डिपॉजिट कर देते हैं यहाँ पे आके, वो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे पास 7 लेजेंडरी स्पेयर है, 7 गाइस, मतलब समझ रहे हो, मैंने 7 लेजेंडरी गे वो बना लिए हैं। और मेरे पास देखो, मैंने जो हेलमेट है ना, वो पाल मेटल का हेलमेट बनाया है। कल मैंने थोड़े पाल मेटल बना लिए थे ऑफलाइन, बेस बनाते बनाते। और जो ये आर्मर है, ये तो शायद मैंने शायद आप लोगों के सामने बनाया था, ईपिक जो मेरे को स्कैमेटिक मिला था उससे बनाया था मैंने, मेटल वाला। तो इसमें ठीक ठाक आर्मर है, इसमें डिफेंस 157 है इसमें। और जो पाल में होता है उसमें भी थोड़ा अच्छा डिफेंस होता है, लेकिन ये ठीक है, अभी अपना काम चला हुआ है और बढ़िया है इसके अंदर डिफेंस। और ये सबसे बड़ी बात तो ईपी का भाई। और मैंने जो सबसे हाई क्लास वाली शील्ड होती है ना, 1045 की ईपिक शील्ड है ये, हाइपर शील्ड, इससे ऊपर कोई शील्ड नहीं होती, वो बना लिया, क्योंकि मैं मैक्स लेवल का हो चुका हूँ, 50 लेवल का। बाकी मैंने अपने जो टूल्स है वो अपग्रेड कर लिए, रिफाइंड मेटल है मेरे पास, पिकेक्स रिफाइंड मेटल की, और रिफाइंड मेटल की एक्स है। बाकी मेरे पास बो ओल्ड वाला है, और मेरे पास कोई गन नहीं है अभी फिलहाल। और हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को दिखानी थी मुझे, कि जो हमारा बेस के सामने मेरा एक और बेस है, ये रहा, ये मेरा बेस है, ये मेरा फार्मिंग बेस है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बेरीज, लेक्टस और टमाटो ये सब उगा रहा हूँ। इससे क्या होगा ना, कि इससे भाई हमें ना दिक्कत नहीं होगी, मतलब देखो यहाँ पे कितनी सारी बेरीज आ गई है, हनी वगैरह ये सब यहाँ पे उगा रहा हूँ मैं। क्योंकि यार मेरे को ना केक बनाने के लिए बहुत सारे फार्मिंग चाहिए होती है, जो कि मुझे यहीं से ही मिलेगी, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा। देख रहे हो कितने सारे यहाँ पे वो लगे हुए हैं, ये यहाँ पे सिर्फ फार्मिंग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और ये ब्रीडिंग है यहाँ पे, फार्मिंग, ब्रीडिंग और फार्मिंग। और ये भाई भेड़ इतनी बड़ी इसलिए दिख रही है तुमको, क्योंकि वो शाइनी वाली भेड़ है, शाइनी मेरे को मिल गई थी, शाइनी भेड़। बाकी यहाँ पे थोड़े सामान है, और इस चेस्ट में थोड़ा सा और सामान है। हाँ ओके, ये देखो कॉइन्स भी मिल रहे हैं मेरे को, मैंने बिल्ली भी छोड़ी थी ना, इसमें एक बिल्ली होती है, अगर उसको छोड़ देना तो वो कॉइन्स ड्रॉप करती है फार्मिंग में। तो चलो सो जाते हैं, रात हो गई है, अगली सुबह जाएंगे हम जेड ड्रैगन पकड़ने के लिए, एस्ट्रेगोन पकड़ने के लिए, ब्लेज मत पकड़ने के लिए। ये 50 लेवल के पोकेमोन है जो हमारे रहते हैं। और हाँ यार, मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया नहीं, मैंने दो बड़े वाले बेड भी लगाए हैं, जिसपे देखो छोटी सी मुर्गी सो रही है भाई, सही है, मुर्गी सो रही है बड़े वाले पे, जबकि बड़े वाले पे तो बड़ा मानुष सोना चाहिए। चलो कोई ना, फिर भी ठीक है। तो चलो भाई सो जाते हैं, सुबह जाएंगे जेड ड्रैगन को पकड़ने के लिए। हेलो शिव बेरा भाई, कैसे हो? ओके, सुबह हो गई है गाइस। भाई देखो, तैयारी मेरी पूरी है जेड ड्रैगन को पकड़ने के लिए। मेरे पास लेजेंडरी स्पेयर है 7, 7 में आई थिंक वो आ जाना चाहिए भाई, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं बना भी नहीं सकता। मेरे पास अभी क्वार्ट्ज की फार्मिंग नहीं है, मैंने क्वार्ट्ज फार्म नहीं किया है। बाकी आर्मर ठीक ठाक है, और जिससे मैं फाइट करवाने वाला हूँ जेड ड्रैगन की, मैं लेके जाऊँगा, एक तो इसको लेके जाऊँगा अपने, ठीक है, फैंगलोप को लेके जाऊँगा, क्योंकि ये 50 लेवल का हो चुका है। और मेरे इन्वेंट्री में ये भेड़ क्या कर रही है, इसको निकालो। अल्फा पाल्स, अल्फा पाल्स में मेरे पास, मैं इलेक्ट्रिक वाले को लेके जा सकता हूँ भिड़वाने के लिए उससे? यार मेरे पास ना 50 लेवल के अच्छे पाल्स नहीं है जो मैं मतलब भिड़वा सकूँ उससे, जेट ड्रैगन से। मेरे को लगता है, मुझे लगता है इन 2-3 में ही काम हो जाएगा, निटमिंग और ये सब। वैसे तो निटमिंग इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या बताऊँ यार, अच्छे पाल्स है ही नहीं मेरे पास फाइटर। मेरे को लगता है गाइस, मेरे को शेडो वगैरह निकाल लेना चाहिए, है ना, शेडो मैन वगैरह निकाल लेना चाहिए, वो बहुत मदद करेंगे मेरी वहाँ पे। या फिर मैं इनको ब्लेज मत वगैरह को पकड़ लेता हूँ, ये अच्छे लेवल के हैं, इसको लेके जा सकता हूँ जेड ड्रैगन के लिए। ऐसा करते हैं, पहले एस्टागोन को पकड़ के लाते हैं, फिर ब्लेज मत को पकड़ेंगे, और फिर उसके बाद चलेंगे जेड ड्रैगन के पास, ठीक है? फिर बाकी छोटे मोटे रह जाएंगे, अनुबिस वगैरह ये सब, जर्नेंटाइड वगैरह, सुजुकी, और ये फ्रोस्टेलियन,
और ये पैलेडियस, पैलेडियस तो बहुत मुश्किल है यार पकड़ना। प्लीज़ टेक माई नेम पाजी। हेलो एनिमा, वेलकम गैस। यार देखो आज जितने भी लोग आ गए ना, सबके सब लाइक कर दो, ठीक है। यार देखो अपने को ना एक फास्ट फ्लायर चाहिए जो जेट ड्रैगन है, तो इसलिए पहले एस्टेगोन को पकड़ेंगे, ठीक है। और हीट रेसिस्टेंस की मेरे पास शर्ट है, काम हो जाएगा। और बाकी हीट रेसिस्टेंस का मेटल आर्मर है, तो हम आराम से जा सकते हैं वहाँ पे पकड़ने के लिए जेट ड्रैगन को। वहाँ पे गर्मी होती है बट जा सकते हैं। यार मेरे को सोचना पड़ रहा है यार, पता है क्यों? क्योंकि ये लेजेंडरी स्पेयर है ना, पता नहीं मेरा ये साथ में काम होगा क्या नहीं होगा। 10 तो एटलीस्ट होने चाहिए थे, बट क्या करें, मेरे पास कम है। रिफाइंड इनगट, रिफाइंड नहीं, पाल मेटल से बनते हैं ये पाल मेटल इनगट से बनते हैं लेजेंडरी स्पेयर। बड़े मुश्किल है यार ये बनाने। चलो थोड़ा खाना ले लेते हैं, देन वी विल गो। तो खाने में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मेरे पास पहले से क्या है, ग्रिल ये है मेरे पास, तो ये ले लेता हूँ, रोस्ट जो भी है इसका नाम, ये ले लेते हैं खाने में, ठीक है। ये दो खाना काफ़ी रहेगा अपने लिए। और यहाँ पे काफ़ी सारा आयरन हो गया है, नाइस। एस्टेगोन चाहिए यार अपने को, एस्टेगोन आ जाएगा तो ये माइनिंग बहुत मस्त हो जाएगी अपनी, अच्छा और निकलेगा फिर अपना। तो खाना हो गया है, आर्मर हो गया है, पाल्स हो गए हैं, स्पेयर हो गए। ओ हाँ, मेरे को एक बंदूक चाहिए, ठीक है। क्योंकि यार मैं बेबो से तो मारूंगा नहीं उसको, तो मेरे को एक गन चाहिए। और यार इसमें कोई और बो भी है क्या? क्या इसमें अच्छे वाला बो है? पॉइजन बो, थ्री शॉट बो, थ्री शॉट बो बना सकते हैं हम। और क्रॉस बो है इसमें, क्रॉस बो अच्छा नहीं है। फायर क्रॉस बो, पॉइजन क्रॉस बो, मेरे को गन चाहिए यार, गन बना ही लेते हैं ना, क्या बोलते हो? यार मेरे को इस बार ब्लूप्रिंट नहीं मिला गन का यार, गन का ब्लूप्रिंट मिल जाता तो सही रहता। सिंगल शॉट राइफल, भैया राइफल तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, इसका रीलोड टाइम बहुत गंदा है। डबल बैरल शॉट गन, रिफाइंड इनगट, अरे ये बना सकते हैं हम, डबल बैरल शॉट गन आसान है बनानी। और क्या है इसमें, पंप शॉट गन भी अच्छी है वैसे। येरी एआर सबसे बढ़िया तो वैसे एआर ही है, बट यार मैं चाहता हूँ कि मेरे को कोई एक अच्छा ब्लूप्रिंट मिल जाए एआर का, तो मज़ा आ जाएगा यार। मैं रॉकेट लॉन्चर मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये पाल मेटल का बनता है, और आई डोंट हैव पाल मेटल्स। जो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये पंप शॉट गन बनाता हूँ, ठीक है। ये पंप शॉट गन है ना अच्छी होती है, इसमें रिलोड बहुत कम होता है और इसका डैमेज बहुत बढ़िया होता है। तो मेरे को कार्बन फाइबर बनाने हैं 40। ड्रैगन इज वीक अगेन आइस टाइप, गेट फ्रोस्टेलियन। भाई फ्रोस्टेलियन को पकड़ने के लिए मेरे को अच्छा फायर ड्रैगन चाहिए, और फायर ड्रैगन मेरे को वो ही मिलेगा, ब्लेज मथ, ब्लेज मथ ही सही है, ठीक है। वो कर लेंगे अपन। अरे यार चार कोल नहीं है मेरे पास, कोल भी नहीं है। थोड़ा चार कोल बना लेते हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा अपना चार कोल। फायर कैंप ट्रिक से मारो यार, वो ट्रिक मेरे को आती नहीं है यार सच में। चार कोल बना दूंगा मैं, लेट्स गो। देखो चार कोल कितना जल्दी बनाएगा यार, ये बहुत मस्त है ये जर्मन टाइड। अगर मैं इसको अच्छा स्किल्स पे ब्रीड करूंगा ना जर्मन टाइड को, तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अभी भी बढ़िया काम कर रहा है ये, देख रहे हो। 100 चार कोल बना दे ये, तो अपना काम हो जाएगा फिर। ये लो 100 तो इसने बना भी दिया। पावर तो है यार इसमें जर्मन टाइड। बाकी यार मेरे पाल्स ना बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, ओवरफुल हो गया है, सिक हो गया है, वीकनेस हो गई, स्प्रेन हो गया। भाई इतना काम कर रहे हैं ये मेरे पाल्स दिन रात की, यार बीमार हो गए हैं पता है। भाई अब इनको बाद में ठीक करेंगे, पहले हमें अच्छे वाले ड्रैगन चाहिए। 32 हुए हैं, और मेरे को कितने चाहिए थे? पंप शॉटगन,
40 चाहिए थे मेरे को, मतलब थोड़ा और लेके आना पड़ेगा चारकोल। चलो जब तक मैं एक आधे पाल्स को दवाई दे देता हूँ, है ना। इतना नाइंसाफी भी करना ठीक नहीं है इनके साथ, क्योंकि मेरे पास थोड़ी बहुत दवाई पड़ी है। चलो भाई, वीकनेस किसको हो रही है? ये है वीकनेस वाला बंदा। अरे यार, फीड, डिप्रेस और वीकनेस। चलो भाई, वीकनेस खत्म। स्प्रेन किसको हो रहा है? और स्प्रेन के लिए बढ़िया दवाई कौन सी है? इसको है सिकनेस। और सिकनेस किससे जाएगी? स्प्रेन, गुड मेडिसिन, ईटर हील, हेल्थी स्प्रेन, कोल्ड एंड मेडिसिन। देखो, अब मैं स्प्रेन ठीक कर सकता हूँ। ओवरफुल, ओवरफुल में क्या काम आएगी? मेडिसिन ट्रीटमेंट अनक्लियर फ्रैक्चर, ये तो फ्रैक्चर की है। स्प्रेन में कौन है? ये है क्या स्प्रेन में? ओके, ये है स्प्रेन में, तो इसको फीड करा देते हैं ये सूप, तो इसका स्प्रेन चला जाएगा। अब एक सिक है, एक ओवरफुल है। अब सिक और ओवरफुल के लिए क्या बनता है भाई, ये देखना पड़ेगा। ये क्या करेगी? इंक्रीज स्पीड, कंज्यूम ड्रिंकिंग ग्रेटिविटी, इंक्रीज वर्क फॉर स्पीड पीरियड, स्टेमिना, ओवर टाइम। ये एक तो ये बनानी है मेरे को, रिकवरी मेड। और ये क्या करेगी? मेडिसिन दैट हील वाउंड ओवर टाइम, लो क्वालिटी बट रिस्टोर सम हेल्थ। यार सिकनेस की दवाई तो है नहीं इसमें। सिकनेस में क्या चलेगा भाई? गाइस, तुम लोग को दिख रहा है सिकनेस लिखा हुआ कहीं पे? मेरे को लग रहा है यही बनानी पड़ेंगे मेरे को दो। तो मेरे को कॉटन कैंडी और रेड बेरीज चाहिए। कॉटन कैंडी है क्या मेरे पास? नहीं है कॉटन कैंडी और बेरीज। भाई कॉटन कैंडी और बेरीज तो है ही नहीं मेरे पास। क्या मेरे पास कॉटन कैंडी वाली कोई पाल है? अरे यार, कॉटन कैंडी वाले तो मैंने पकड़ी ही नहीं है यार। सिट, अब वो दवाई नहीं बना सकता मतलब मैं। यार कॉटन कैंडी नहीं है यार। हेलो सनी सर। हेलो रोहित भाई, कैसे हो? रोहित वेलकम। चलो फिर इनको आके खिलाएंगे दवाई, है ना। ओके, सारा काम हमारा हो गया है। हाँ, तो मेरे को थोड़ा कार्बन फाइबर बनाना था और गन बनानी थी, पंप शॉट गन। आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। इनको यही वाले दवाई खिला के देखो क्या, ओवरफुल और सिकनेस वालों को, क्या पता ठीक हो जाए। अरे वो तो मैंने रखी थी, शिट। आपके पास है सिकनेस की दवा? देखो क्या, मैंने चेक नहीं किया। लेट मी चेक। क्या नहीं, ये तो कुछ और है ब्रो, ये तो पाल फ्लूइड है। पाल फ्लूइड है ब्रो ये तो। नहीं है सिकनेस की। सिकनेस की दवाई पता नहीं मिलती नहीं है। एक बार चेक करें, अगर मिल जाए तो खरीद के लेके आते हैं ना, क्या बोलते हो? खरीद के लाते हैं। चलो थोड़ा बेचने का सामान उठा लेता हूँ मैं, जो चीज़ बिकेगी उसको बेच देंगे, थोड़ी दवाई लेके आते हैं। चलो यही है मेरे पास बेचने की चार पांच चीजें। चलो लेट्स सी, अगर दवाई अपने को मिल गई तो बढ़िया है। और दवाई के लिए मैं इस वाले पे चलते हैं। बाउल चेक करो,
बाउल में नहीं है दवाई मेरे पास, बाउल में तो खाना है सिर्फ। इसके पास तो दवाई नहीं मिलती ना। बाय। हाँ इसके पास दवाई नहीं है, बट इसके पास एमओ है, तो मैं शॉर्ट गन के एमओ ले लेता हूँ थोड़े से, है ना, काम आएंगे मेरे पास। 200 एमओ ले लेता हूँ मैं, 200 एमओ पड़ेंगे मेरे को 42-44 हज़ार के। चलो कोई नहीं यार, पैसे क्या, मेरे को कहीं लेके जाने हैं, काम ही आने हैं। चलो अरे भाई, हाइपर गेमिंग स्वागत है ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मेंबरशिप ब्रो। सेल करता हूँ पहले इसको, ये सेल करते हैं 6 हज़ार का, ये 8 हज़ार, भाई 11 हज़ार तो मेरे को इनसे ही मिल गए, नाइस। चलो अब चीज़ें थोड़ी बाय करते हैं इससे, बाय। या मेरे को डेजर्ट वाले मर्चेंट भी खोलने हैं। देखो ये रही दवाई, इससे क्या, माइंड कंट्रोल मील, माइंड कंट्रोल मील, माइंड दैट्स एक्सट्रीमली इफेक्टिव द कंट्रोल डेसेंटली दे डू नॉट हेल्थ रिकवर। यार इसके पास वो दवाई तो है ही नहीं। सप्लाई दैट इफेक्टिव दैट ट्रीटमेंट वीकनेस एंड डिप्रेस दे डू नॉट। यार इसके पास दवाई नहीं है ब्रो वो वाली यार। और ये दवाई तो देखो कितनी महंगी है, 10 हज़ार रुपये की एक है। भाई दवाई बेच रहा है कि क्या, जिंदगी का इंजेक्शन बेच रहा है। चलो इसके पास देखते क्या मिलेगा, ये तो पाल रखता है शायद। हाँ इस पे तो पाल है यार। डाइट लवर रनर, भाई ये अच्छे पाल दे रहा है यार, ले लेता हूँ यार। चवालीस हजार का चल बे। गाइस यहाँ पे तो इतना ही था भाई, यहाँ पे मेडिसिन नहीं मिली मेरे को। फिर मेरे को किस पे जाना चाहिए, मेरे को शायद डेजर्ट वाले पे मिल सकते, या फिर शायद वो वाली मिलती ही नहीं है। हाउ टू बी मेंबर डेडली भाई, जैसे सुपर चैट देते हैं ऐसे ही होता है मेंबर का भी सीन। चलो ऐसा करते हैं, ब्लेज ब्लेज मत को मार के वो पकड़ के लाते हैं पहले, है ना, जेड ड्रैगन की तैयारी भी करते रहेंगे साथ के साथ, क्योंकि ब्लेज मत को तो मैं शायद एरो से ही कर दूंगा डाउन। चलो बेटा ऊपर चलो, ब्लेज मत को पकड़ लेंगे हम भाई साहब, आज तो गया ब्लेज मत। भूल तो नहीं गए, हेलो हाइप, नहीं यार हाइपर कैसे यार, इतना भी टाइम नहीं हुआ वैसे, शायद कितना हुआ, 1 महीना हुआ होगा। गाइज लाइक कर दे यार, ताकि हमारा जो स्ट्रीम है पूरे यूट्यूब पे तहलका मचा दे। बहुत ऊंचे पहाड़ है यार ये। लो ग्रेड मेडिसिन सप्लाई नाम है भाई। ओ चेस्ट, ये क्या है, हैंड गन? ओ हैंड गन, अरे अनकॉमन वाली हैंड गन, लेकिन यार अनकॉमन है यार, मेरे को अच्छी चाहिए यार। अनकॉमन पता है 30 का डैमेज देती है, 30 का भी नहीं देती, उससे भी कम देती है, और शायद ड्रैगन्स को तो वो और भी कम दे। भाई ये ब्लेज मत कहाँ रहता है, इधर ही है क्या, इसके ऊपर है क्या, या कहीं डंजन में होता है वो अंदर, क्योंकि मेरे को तो यही दिखा रहा है उसका एरो। भाई यहाँ पे कोई डंजन वंजन है क्या, प्लीज मेक मुसांडा सैडल। आज भाई मुसांडा सैडल नहीं बनाया ना, तो मैं लाइव स्ट्रीम ही एंड ही नहीं करूँगा, ठीक है। भाई कहाँ रहता है ये ब्लेज मत, देखो मैं तो यहीं हूँ, क्या वो कहीं इधर उसमें रहता है क्या, डंजन वगैरह में रहता है क्या?
डंजन भी नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे कुछ। प्लीज मत ब्रो, वेयर आर यू? भाई इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है यार। अच्छा डंजन में है, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे एक आधा डंजन जा रहा होगा गुफा, यहाँ पे मेरे को गुफा ढूंढनी पड़ेगी। अब गुफा कैसे ढूंढे? ये रही गुफा, इसी में मिलेगा मेरे को 101% पता है, मतलब इतना भी 101% नहीं, लेकिन हाँ इसमें मिल सकता है वो मुझे। गुफा बड़ी खतरनाक है भाई, ये लावा बह रहा है चारों तरफ से। ओ ये रहा, अरे भाई अरे नहीं रे, फेंगलोप मेरे को पता नहीं था, फेंगलोप तो इतना नल्ला है उसके सामने ब्रो। नहीं यार ये फेंगलोप मर गया, क्या था ये? मैं हल्के में ले रहा था ब्लेज मत को। ओ भाई डरा दिया उनने यार, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा यार, नाइट विजन नहीं है क्या इसमें? अरे जाना मारना उसको नल्ले। निटविंग दिखा दे अपना जादू, मरने से पहले थोड़ा डैमेज दे दे इसको। शाबाश शाबाश शाबाश। ये भाई बाहर आ गया वो। अरे शील्ड मस्त है बे, हाफ गया मेरा एचपी जबकि उसने काफी पावरफुल मूव मारा। अरे आधा एचपी खा गया वो इसका। मैं तो गया आज भाई, मुझे लगता है भाई तुम ही लोग भिड़ो इनसे। ओ इलेक्ट्रिक अच्छा दे रहा है यार, मैंने गलत बंदे से पंगे ले लिए ब्लेज मत से यार, ये आसान नहीं है उसको पकड़ना। मैं अपना वो सेट करके रख लेता हूँ, यही है ना पर्पल ही होता है ना, हाँ लेजेंडरी। अरे कहाँ गया वो? लेट्स गो, ब्लेज मत को मार दे मेरी जान। जा 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 जा। अरे पांडू अंदर जा। ये खड़े खड़े देखते हैं ना ये पैल्स, जब बहुत गुस्सा आता है यार। जब तक मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ, ये रही ब्राइटनेस। शिट मैंने बढ़ाई नहीं ब्राइटनेस। ओके थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दी गाइस मैंने, ताकि मैं केव उसमें देख पाऊँ। डिड यू रिमेम्बर मी? हेलो एनिम भाई कैसे हो? अरे पांडा तू ही है मेरी आखिरी उम्मीद। उरे मर भाई साहब। गाइस दो पाल्स मर चुके हैं मेरे, अब तो भाई ऐसे ऐसे पाल्स पे भरोसा है मुझे। मार 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 भाई, ये देख रहे हो कितना छोटे पोकेमोन से लड़वा रहा हूं मैं, कितने छोटे पोकेमोन से लड़वा रहा हूँ भाई, देख रहे हो? ब्लेज मत को लड़वा रहा हूँ मैं इतने छोटे पोकेमोन से। भाई जा यार मार भाई, ये बाहर आता जा रहा है ब्लेज मत, पूरा बाहर ना आ जाए वो। बस आ जा, इतना ही दम था तेरे में।
ये क्या है? फ्लेम बेल। और दो का डैमेज दे रहा है ये फ्लेम। ओ एक का डैमेज, नाइस। यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये किन को लड़वा रहा हूँ भाई, मर गया यार ये भी। ओके निटविंग को दोबारा ट्राई करते हैं, इसका हेल्थ रिकवर होगा थोड़ा। भाई गजब यार, मैं तो आमने सामने खड़ा हो ही नहीं सकता इधर। यार निटविंग गलत बात है तेरी, तो पिट रहा क्यों है इतना, कुछ तो मार उसको। ओ नाइस भाई, इस बार जैसे वो अपना ब्लेज मारेगा ना, मैं इसको उठा लूंगा निटविंग को, क्योंकि उससे मर जाता है। उठा लो, इससे मर जाता है जब ये मारता है ना अपनी मुंह में निकलने वाली आग। अबे कुछ तो डैमेज दे दे, जबरदस्ती फीड कराना पड़ेगा क्या? फीड तो पूरा है यार, फिर क्यों नहीं मार रही है? ओ रे 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 रे, नहीं। भाई निटविंग मेरी आखिरी उम्मीद है, पता है? ये निटविंग आखिरी उम्मीद है मेरी, क्योंकि मेरे पास पोकेमोन बचे नहीं है। मर गए यार। अरे इससे अच्छा अनूबिस्ट वगैरह को लिया था यार। मुझे लगा ब्लेज मत यार ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा यार, बट ये पावरफुल है भाई। मुझे लग रहा था इतना पावरफुल नहीं होगा ये। चार परसेंट कैप्चरिंग रेट है, इतने में तो नहीं होगा। अरे निटविंग उसको बाहर आने से पहले मार दे भाई, क्या कर रहा है? अरे भाई, अरे इथो ब्रो अभी लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। अरे रे 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 रे, नहीं। अबे मर गया मैं, शिट यार। अबे आग लग गई यार, उसने निटविंग ने उस पर हमला नहीं किया ना, इस चक्कर में हो गया ये सीन। अरे यार शिट, वाटर टाइप यूज करो। अरे मैं लेके ही नहीं गया यार, मैं लेके ही नहीं गया पोकेमोन्स, टट्टी पोकेमोन्स लेके गया मैं वहां पे फालतू में। हट यार, रुको, सेटिंग वेटिंग सही करते हैं तभी यार, तैयारी करना। तभी मैंने जेट ड्रैगन के सामने ऐसे जाना नहीं चाहता, पता चल कि वहां पे हग दूं मजा के। ये सब टट्टी पोकेमोन्स को यहीं रखूंगा मैं, पता चल गया। ये फैंगलोप सिर्फ यार ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, फाइट वाइट के लिए अच्छा नहीं है ये। एक तो यार मेरा लेवल अप नहीं करवाया हुआ मैंने यार इनको। बेस पे कौन कौन है? जर्मन टाइट ठीक है, इसको लेके चल सकते हैं। चलो जर्मन टाइट को लेके चलेंगे। और वाटर टाइप है क्या कोई? एक अनूबिस को ले लेते हैं, अच्छे लेवल का अनूबिस है मेरे पास, ये दोनों को ले लेते हैं, है ना? अनूबिस, जर्मन टाइड, और वाटर वाला जर्मन टाइड तो मेरे पास है नहीं, तो मेमोरेस्ट को ले ले क्या? अरे नहीं यार, किसको लें? एक तो वाटर टाइप यार अच्छे पोकेमोन मेरे पास है नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, चिलेट, चिलेट तो झिल जाएगा बिट। अरे चिलेट अच्छे लेवल का है मेरे पास, 48 लेवल, कुछ तो कमाल दिखाएगा ये वहाँ पे। एक और ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ वॉर सेक्ट, तब तक इनका लेवल अप हो जाएगा। भाई मैं जेट ड्रैगन से कैसे लड़ूंगा यार, मैं उससे ही नहीं लड़ पाया। रिलैक्सोसोरस यार, रिलैक्सोसोरस बेकार है यार, मर जाएगा रिलैक्सोसोरस भाई। और जो अच्छे वाला बॉस रिलैक्सोसोरस जो है मेरे पास,
वो मेरे पास वो है, क्या बोलते हैं ये, लक्स रिलैक्सोस हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक टाइप है। बर्ली बॉडी, चलो भाई भाई ये जर्मन वर्मन टाइड धोखा ना दे बस, मेरे को सोना पड़ेगा यार पहले। चिलेट आइस है, मर जाएगा यार। फिर अच्छे लेवल का पोकेमोन भी तो नहीं है मेरे पास। इसका 48 लेवल है, ये कुछ तो सरवाइव करेगा उसके सामने, कुछ तो सरवाइव करेगा यार एटलीस्ट। और गन बना लेता हूँ यार, गन कम से कम थोड़ा बहुत तो मौका दिलवाएगी मेरे को मारने का। वेपन वर्क बेंच में बनेगी ना ये। रही एक मन एआर बनाने का भी है पता है, बट एआर की जो बुलेट्स है ना, अरे इसका अटैक 320 है, इसका अटैक 220 है, तो एआर ही बना लेता हूँ। लेकिन मैंने बुलेट तो पंप शॉट गन की ले ली। पंप शॉट गन ही बना लेते हैं एक। भाई आर्मर थोड़ा बचा लिया आर्मर ने मेरे को, काफी बचाया आर्मर ने वैसे देखा जाए तो मुझे, बट कहाँ तक बचाता भाई वो भी यार। एट द एंड पिल ही गया मैं। डाइट पाल को साथ लेके सो। अरे यार शिट शिट यार, मेरे को पाल को साथ में लेके सोना चाहिए था यार, वो जिंदा हो जाते। अब तो यार गड़बड़ हो गई, शिट। अगर मैं दिन में सो जाऊं तो इसको लेके क्या जिंदा हो जाएगा वो? लेट्स सी। ठीक है नहीं होंगे यार। पैन किंग को ले लो, वो अच्छा डैमेज देगा, बट पैन पैन किंग का लेवल अप नहीं हुआ यार, वो मर जाएगा वहां पे बहुत जल्दी। कितना लेवल है पैन किंग का? 15 लेवल है यार पैन किंग का, क्या सरवाइव करेगा ये वहाँ पे? चलो पैन किंग को अपने साथ रखता हूँ मैं उसके लिए, क्या बोलते हैं उसको, लेवल अप करने के लिए। ठीक है हो जाएगा, हो जाएगा इसका लेवल अप। मुझे लगता है लेवल अप के लिए मेरे को थोड़ी पहले इधर उधर छोटी मोटी फाइट करवा लेनी चाहिए इनकी, जिससे इनका जल्दी जल्दी लेवल अप हो जाए। आसपास हमारे क्या है, डम्मू है, डुमोड। चलो डुमोड को मार के आते हैं, पैन किंग से मरवाएंगे डुमोड को, या पकड़ ही लूँगा यार, मारूंगा क्या, डुमोड काम आ जाएगा डुमोड को। ओए हाथी है यहाँ पे, दो हाथी आपस में लड़ रहे हैं, जब तक हमारी एआर भी बन जाएगी। चलो अरे देखो क्या डैमेज दिया इसने ना इनको, मस्त। एक तो मर ही गया, अरे फायर से मर गए वो, बहुत जल्दी मर गए यार। ऐसा करते हैं पैन किंग को बुलाते हैं। कितने लेवल का हो गया पैन किंग? काफी जल्दी लेवल अप हो जाएगा इनका मेरे इन्वेंटरी में, देखो 43 का हो गया। थोड़ा लड़वाते हैं इसको, मार भाई पैन किंग, दिखा दे अपना पैन फ्राई। कहाँ जा रहे हैं ये, देख नहीं रहा, मरवाना इनको। चलो पैन किंग का जल्दी लेवल अप हो जाएगा वैसे देखा जाए तो। गाइस देख लो, धोखा मत दिलवाना, कभी बोलो फिर यार आइस टाइप नहीं लेके, ओ वाटर टाइप नहीं लेके जाना था, आइस टाइप लेके जाना था, ये वो फला फला, अभी बता देना भाई, इसलिए वाटर टाइप को तैयार कर रहा हूँ मैं। वैसे जर्मन टाइट होता तो यार मज़ा आ जाता, जर्मन टाइट वाटर टाइप ही है मेरे पास पता है।
जर्मन टाइट बहुत सही रहता है यहाँ पे फाइट के लिए। अंदर मिलेगी क्या मछली मेरे को? बहुत कम लेवल की है वो, एक ही बारी में तो नहीं मर जाएगी कहीं, क्योंकि मुझे पकड़ना है इसको। ऐसे डंजन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते यार मेरे को। ज्यादा डार्क बना रखे हैं डंजन, इतने डार्क नहीं होने चाहिए डंजन। अजीब बात है, ये पानी में भी उछल लेता है बंदा, कैसे? ब्रो पोकेमोन टाइप इज में है, उससे ज्यादा डैमेज होता है। पोकेमोन टाइप कौन सा होता है भाई? ये क्या बात है? ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैमथ भी आपस में लड़ रहे थे, कुछ दिक्कत है क्या इनको? ये कौन है? किला मारी। अरे किला मारी तो पहली बार देखा मैंने। किला मारी पकड़ते हैं भाई, बिना उसके ही हो गया ये तो। अबे नहीं हुआ, किला मारी। अबे हट यार, छोड़ ना, हम तो मेन बंदे के पास चलते हैं। ब्रो कैन बी प्ले पाल वर्ल्ड इन मोबाइल? हाँ ना, आप तो शायद मोबाइल में भी, बहुत सारे लोगों ने बना दिए इसको, तो शायद मोबाइल में खेल सकते हो तुम लोग अब। यार मैं पकड़ने किसको आया था? मैं आ कहाँ गया? मैं डम्बो को पकड़ने आया था, ये जम्बो कहाँ से आ गया? ये फुल्डर वुल्डर पता नहीं कहाँ से आ गया। ये तो ऐसे ही आ जाएगा, इसको तो बिना मारे ही मैं कर दूंगा। ये तो हमला भी नहीं कर रहा मेरे पे। 10 लेवल का है भाई, एक ही में मर जाएगा क्या वो? ये लो 100% कैप्चर रेट मिल गया, लेट्स गो। अब तुम यहाँ पे खड़े होके मेरे को गालियाँ बकते रहो, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। हाई ग्रेड टेक्निकल मैनुअल, जर्मन टाइट ब्रीड कर लो। अरे भाई एक होता है बॉस टाइप, एक होता है ब्रीड वाला। बॉस टाइप ज़्यादा अच्छा रहता है। ओ मेरे को यहाँ पे रूबी मिली दो यार। वो मेरे को वो देखनी है मछली किधर है, मछली से फाइट करके उसको हराना है यार। पैनकिंग 34 लेवल का हो गया। मछली है कहाँ पे? इस तालाब में मिलेगी जरूर। यस इस तालाब में है, मैं गलत जगह चला गया था। वो रही वाटर टाइप वर्सेस वाटर टाइप, लेट्स गो। आजा भाई डम्बू जम्बू। आजा भाई मारेगा क्या अब उसको जान से? चलो भाई लेट्स गो, पकड़ ली डम्बू जम्बू। ओ देबू,
खाना खा रहे होते बुक खाना। चलो भाई हमारा पैनकिंग 36 लेवल का हो गया। कैपेची पैपेची नाइस, बहुत धीरे लेवल अप हो रहा है यार पैनकिंग का। यहाँ पे तीन तीन है डायनासोर, इनसे भिड़वा देते हैं इसको। मर जाएगी, आजा। अरे एक तो मेरे को ना ये चीज समझ नहीं आती कि यार पाल बॉक्स में पड़े पड़े इन मोब्स का लेवल अप क्यों नहीं होता। अपने बेस्ट पोकेमोन को वाटर टाइप टीच कर दो। हाँ आइडिया अच्छा है ये भी, देखता हूँ क्या मेरे पास पड़ा है फ्रूट जो वाटर टाइप टीच कर सकता है। अनूबिस को करवा दूंगा है ना, या जर्मन टाइट, जर्मन टाइट को तो बेकार है, अनूबिस को करवा देंगे। आइस फ्रूट स्किल, ड्रैगन स्किल फ्रूट, ड्रैक ट्रैक, इलेक्ट्रिक वाटर, ये रहा भाई रेयर वाला पड़ा हुआ है मेरे पास, रेयर वाला खिला दूंगा अनुबिस को। ठीक है कहाँ है अनुबिस, ये रहा अनुबिस, अनुबिस को खिला देता हूँ है ना। देखो अनुबिस हैज लर्न ए न्यू एक्टिव स्किल्स एक्वा ब्रस्ट, ठीक है ना। लेट्स गो, अनुबिस को खिला दिया मैंने, अब देखते हैं जरा अनुबिस के स्किल। ओए हट जा पीछे भाई, देखो अटैक वर्क वर्क स्पीड, ये देखो रैंडम स्पिनिंग, रैंडम हाउस, फोर्सफुल चार्ज, ग्राउंड स्मैश। अरे वाटर टाइप स्किल आया नहीं इसका, ये रहा ना, हाँ ये रहा स्पिनिंग राउंड में करेगा ये, विंड कटर, एक्वा ब्रस्ट, स्टोन ब्लास्ट और पावर बॉम्ब, सैंड टॉर्च। भाई एक्वा वाटर वाला पूरा 100% है इसके पास, नाइस सब में आ गया इसका हंड, एक एक एक्वा। चलो कुछ तो मिला एक्वा वाला, चलो अभी जा सकते हैं ना गाइज अपन उसको पकड़ने, ब्लेज मत को, मैं अपना आर्मर देख लेता हूँ। ठीक है जा सकते हैं चलो। हाँ मेरी गन कहाँ गई भाई, गन ले लेता हूँ भाई, पूरा 100% मिल गया है तो चीज़ सही हो गई है। अरे गन, अच्छा गन तो वहाँ है ना भाई, गन आ गई है अपने पास, लेट्स गो। और इसको रिलोड कर लेते हैं, लेट्स गो। अब तो गया ब्लेज मत, अब नहीं बचा सकता इसको कोई भी। एक्वा पर क्लिक करो, हो गया ना वो, ये इसने लर्न कर तो लिया। ओ हाँ हो गया, फोर्स चार्ज, ग्राउंड स्किल, ठीक है हो गया हो गया हो गया। एक्वा ब्रस्ट नाइस, ऐसे करना था ना, सॉरी यार मुझे लगा नहीं करना था ऐसे। अरे मैं उधर जाऊंगा कैसे, उड़ने वाला तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। उधर घूम के जाना पड़ेगा, हाँ ना मेरी जान। रास्ता है यहाँ से? नहीं है तो हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे भाई, ये बंदा स्पाइडर मैन है, कहीं भी चढ़ जाता है।
अरे थैंक यू यार बताने के लिए यार अरमान भाई। वरना मैं लड़वाता रहता अनूबिस को, वो एक्वा फेंकता नहीं। मेरा दिमाग खराब हो जाता कि एक्वा खिला दिया फिर भी फेंक नहीं रहा है। कौन सा डंजन था? यही था क्या? नहीं, वो तो माइन शाफ्ट जैसा दिखता था ना। ओ भाई ये सही डैमेज दे रही है यार ये शॉटगन। अबे ये कहां से आ गया? या मार ही दिया उसने, सबको मार दिया। मरो सालो मरो, तुम नहीं कैप्चर हो रहे तो मरो। वैसे मैं पकड़ भी तो किससे रहा हूं, ये इससे तो कभी ना आए वो। देबू नहीं भाई, ये फायदा होता है पंप शॉटगन का, मैं एक साथ है ना 8 शेल चला सकता हूँ। कहाँ आ गया मैं? अरे इधर ही कहीं था ना। एक तो यहां से दिखता नहीं है ना कहाँ पे था। अरे कौन कहाँ गया यार वो? ऊपर चढ़ के देखना पड़ेगा भाई, यहां से दिख नहीं रहा। वो रहा मे भी। ब्रो जर्मन टाइड इज यूजफुल, कैच इट। हाँ ना ब्रो, पकड़ना है यार मेरे को वाटर टाइप वाला जर्मन टाइड, पकड़ना है मेरे को। अरे भाई ह्यूज एग मिला यार। देख रहे हो यार विदाउट फ्लायर की वजह से ये दिक्कत होती है, दिख ही नहीं रहा मेरे को यार उसका डंजन कहाँ गया। आगे है, हाँ मेरे को भी ऐसे लग रहा आगे है, आगे घूम के लेफ्ट साइड में है जरूर से। ये रहा ये रहा ये रहा, नाइस मिल गया। अब तो गया ब्लेज, मत अब नहीं छोड़ने वाला मैं उसको, अब तो गया वो। सबसे पहले पैन किंग से ही फाइट करवाऊँ क्या उसकी? चलो पैन किंग जब तक हेल्थ रिकवर करता है, पहले जर्मन टाइट से करवाऊंगा उसकी, फिर चिलेट विलेट बाकी सब चीज़ों से फाइट करवाएंगे उसके, है ना। पहले जर्मन टाइट उसको जितना डैमेज दे सकता है देगा, बाकी सब बाद में। अरे भाई जर्मन टाइट तू भी नशे में है क्या? वो पीछे है तेरा दुश्मन, मार उसको।
अरे हाफ एचपी कर दिया, एक का डैमेज दे रहा है भाई। वाह बेटे जर्मन टाइड। भाई जर्मन टाइड को वापस बुला रहा हूँ मैं, वो मर जाएगा। पैन किंग को बुला दिया मैंने। मैं भी थोड़ी हेल्प करता हूँ ना इसकी। अरे कहाँ चिपक गया नल्ले। भाई पैन किंग की एचपी कम है। यार फाइट ही नहीं दिखा सकता यार इसमें, इसमें फाइट ही नहीं दिखा सकता क्योंकि यार वो सीधा मेरे पे हमला करता है और मार देता है। ओ ये कहाँ फंसा दिया इसने पैनकिंग ने इसको, ये तो बहुत सही फंसा दिया इसको। बाकी यार एक 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 का डैमेज दे रहा है वो। तोड़ दी भाई तुरंत ही शील्ड तोड़ दी उनने मेरी। मर गया पेन किंग भाई। बल्कि चिलेट भी सही डैमेज दे रहा है उसको, पता है एक का डैमेज दे रहा है भाई। इसके पास बहुत तगड़ा आर्मर है यार। अबे मेरे को कैसे मार दिया उनने भाई, मैं क्या फाइट करूंगा इससे यार। ये तो मेरे को ही नहीं छोड़ रहा है बंदा। अब मैं जब तक उस भाई वो बुलाता अपना क्या बोलते हैं उसको अनुबिस, उसने मेरे को ही मार दिया। मतलब यार आर्मर ये नहीं चलेगा वहाँ पे, मेरे को ऐसा लग रहा है। मेरे को इतना यार थोड़ी जगह बड़ी दे देते यार ताकि लड़ तो पाता मैं उससे कम से कम। ये छोटी सी जगह दे दी है उसमें भी वो मेरे पे सीधा मारने को आता है मेरे को। रॉकेट लॉन्चर बनाओ उससे अच्छा डैमेज होगा। यार क्या क्या बनाऊँ अब, रुको मैं बिना रॉकेट लॉन्चर का ही मारूंगा उसको। अब जिद है तो है भाई। अब तो मारना है भाई, अब तो उसको कुछ हो जाए। अरे भाई क्यों, एक तो इतना अंधेरा है ना वहाँ पे भाई, ये मेरे को बढ़ाना ही पड़ेगा वहाँ जाने के लिए। तो ये चाहिए भाई पूरा ब्राइटनेस, फुल ब्राइटनेस। चलो पोकेमोन को लेके सो जाते हैं भाई, ताकि अपने को जिंदा पोकेमोन मिल जाए। पैन किंग को हटाओ भाई, कुछ नहीं कर पाया पैन किंग। फायर टाइप तो वहां पे चल ही नहीं रहा है। अनुबिस चल सकता है वहां पे, चलेगा तो ये। यार वैसे चिलेट अच्छा चला वहां पे, पता है चिलेट बहुत कम डैमेज ले रहा था उससे। यार ऐसा करते हैं, सुनो जर्मन टाइट को पकड़ लेते हैं, ठीक है। जर्मन टाइट को पकड़ के लाते हैं, वो ही भिड़ सकता है भाई उससे। और बाकी मेरे को लगता नहीं है कोई पोकेमोन उससे भिड़ पाएगा सही से, वो उसको हरा सकता है भाई।
मेक ए प्लांट फॉर नाइट, ठीक है चलो बना लेता हूँ। मैंने ओपन ही नहीं की थी यार, वो खोल लेते हैं उसको। लेकिन एक स्लॉट खा जाएगी मेरा ये यार, ये प्लांट एंड बनेगी कहाँ पे ये? बनेगी कहाँ पे ये हिप्लेल 10 जो भी है। अच्छा ये खुल गई क्या ऑटोमेटिक? शायद प्रोडक्शन असेंबली लाइन में बनेगी। ये रही, ओ नाइस। कहाँ लगी? अच्छा वो कहीं नहीं लगती, सीधा शरीर के अंदर समा जाती है क्या वो? चलो नाइस भाई, मैं जा रहा हूँ पकड़ने के लिए उसको, वाटर टाइप वाले को, जर्मन टाइड को। वो ये एक लास्ट ऑप्शन है मेरे पास। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे को ये वाली फाइट विन करवा सकता है। ठीक है, जर्मन टाइड, वेयर आर यू, हेयर आर यू। चलो ठीक है ब्रो, तैयम भाई, हिमांशु मिश्रा भाई। अब हरा दूंगा मैं उसको, अब नहीं मरने वाला, अब हरा दूंगा मैं उसको। थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया है मेरे को कि वो किस तरीके से मारा जाएगा। एक तो हम इसमें एक टाइम पे एक ही पोकेमोन निकाल सकते हैं ना, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एटलीस्ट यार दो तो निकालने चाहिए थे। अच्छा नाइस। किधर ही कहीं होता है ना वो। पहले यहाँ पे एक बेस लगाऊंगा जरूर भाई, बेस लगाना बहुत जरूरी है। वैसे यार अब मेरे को ना टॉर्च की जरूरत नहीं है, टॉर्च का काम खत्म हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या नेकलेस वगैरह कुछ पहन सकता हूँ क्या इधर? नहीं यार, एक्सेसरीज में सिर्फ ये दो ही चीज़ है। चेस्ट क्यों दिखा रहा है? चल बेटा तेरा काल आया है, जर्मन टाइड 45 वर्सेस 45 जर्मन टाइड, लेट्स गो। बट वो ज्यादा अच्छा डैमेज दे रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। पाल स्पेयर सेट करके रख लेता हूँ। ये
ये फायर वाले का तो बैंड बजा दिया इसने। ए भाई कहाँ पहुंचा दिया उसको, पाताल लोग भेज दिया उसको भाई। अबे पाताल लोग भेज दिया उसको, शिट। अरे यार रुको, शायद ऐसे करना पड़ेगा ना, रिटर्न करना पड़ेगा, रुको करके देखते हैं। पाताल नहीं, लाजी स्वर्ग भेज दिया। हाँ यार पीयूष अलग ही दुनिया में गया वो। आ जा यार भाई, एक तो उम्मीद थी जर्मन टाइड वो भी चला। अरे आ गया आ गया आ गया, अरे रिफ्रेश हेल्थ के साथ आया भाई पूरा। क्या करूँ यार, अरे उतना ही हेल्थ हो गया उसका, नाइस। अनुबिस की इसकी खटिया खड़ी करेगा, देखो क्या डैमेज दे रहा है अनुबिस, ऑसम। अनुबिस मार सकता है उसको, पता है। अरे रे अरे, फिर से ग्लिच मत कर दियो उसको यार। वाटर ब्रीथ, थोड़ा गाइज आप लोगों को ज्यादा वाइट वाइट दिख रहा होगा क्योंकि ब्राइटनेस बढ़ा रखी है मैंने, क्योंकि अब हम सीधा जाएंगे ब्लेज मत के पास और वहां पे अंधेरा है तो वहां पे काम आएगा ये वाइट रोशनी। बस थोड़ी सी और एचपी गिरा दे इसकी यार। नाइस 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 नाइस, चलो गाइस हो गया काम। ग्रास एंड इलेक्ट्रिक टाइप लेके जाओ जर्मन टाइट के लिए। जर्मन टाइट तो हो गया, पकड़ लिया उसको था हमने। अब मेरे पास, अच्छा जर्मन टाइट लेके नहीं आया मैं, उस लेके भी आना पड़ेगा। चलो यहाँ से निकाल लेता हूँ बॉस को, मुसांडा को रख देते हैं, चिलेट लेके चलता हूँ, जर्मन टाइड को रख देते हैं। ये रहा 45 लेवल का। ओ भाई लॉर्ड ऑफ द सी, नाइस।
एक ग्रास टाइप लेके चलूं? नहीं यार, एक मेरे को ट्रैवलिंग के लिए चाहिए वहाँ पे। ऐसा करता हूँ, वहाँ पे एक बेस बना लूँगा ना। ओके नाइस। अरे फायर पे शायद इलेक्ट्रिक इतना खास काम नहीं करता ना यार। अरे चढ़ जा भाई। मस्त है यार ये ट्रैवलिंग के लिए, बहुत सही है। अरे फायर पे इलेक्ट्रिक सही नहीं है ब्रो, फायर पे वाटर और स्नो वाले ही सही रहते हैं। चलो यहाँ पे एक बेस सेटल कर देते हैं ताकि मैं यहाँ पे वापस भी आ सकूं। अब तो नहीं बचने का वो ब्रो, फुल एचपी है ना सबकी। ओके सबकी फुल एचपी। क्या होगा कि मैं अगर अंदर चला जाऊं तो गाइस, हैं वो मेरे को मार पाएगा क्या अंदर? मेरे को लगता मार देगा, या शायद नहीं मार पाएगा अंदर। एक तो मैं डर के मारे यार बाहर आ जाता हूँ ना तो मैं स्टक हो जाता हूँ। अंदर ही चलते हैं ना, सीधा अंदर चलते हैं, फेस टू फेस फाइट लेंगे। चलो गाइस। अरे रे 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 रे, ये देखो इसीलिए नहीं आता मैं अंदर, शील्ड तोड़ दिए कि मैं अब एक और मारेगा मैं मर जाऊंगा। चलो भाई अब अनूबिस की बारी। भाई मेरे को हिलते रहना होगा पता है, एक जगह खड़ा हुआ और मेरे को मार देगा। अरे यार ये या अनूबिस के ना यही हरकत सही नहीं लगती मेरे को, फाइट नहीं कर रहा है भाई। चिलेट को भी भिड़वाएंगे जब तक हमारा जर्मन टाइड हील हो जाएगा। मैं फायर नहीं करूंगा अब जब तक भाई इसका ब्लेज का हेल्थ डाउन नहीं होगा ना, मैं फायर नहीं करूंगा क्योंकि यार मेरे फायर करने की वजह से ना ये मेरे पे एग्रो हो जाता है बहुत ज़्यादा वाला। ओह नाइस। और बढ़िया 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 बढ़िया, इस बार मरेगा ये जर्मन ब्लेज मत। भाई क्या बचाया मैंने यार उसको, अनुबिस को, मरने वाला था वो ऑलमोस्ट। अरे मर ही गया अनुबिस, अनुबिस मर गया यार। इसके बाद जर्मन टाइड वापस जाएगा फाइट करने। हेलो यार बीस्ट, अभी भाई कैसे हो? लव फ्रॉम बिहार, कैसे हो ब्रो? भाई 500 तक इसका हेल्थ आ जाए यार, 500 तक भी आएगा तो फिर मैं फेंकता हूँ अपना पाल स्पेयर। पता नहीं कितने पोकेमोन की बलि चढ़ेगी इसके लिए भाई। चल बेटा अब भिड़ तू इससे, बाप से भिड़, अपने साइज के बंदे से।
नाइस, आप जल्दी पकड़ूंगा। कितना कैप्चर रेट मिल रहा है? 4%। थोड़ा और हो जाए देन मैं पकड़ता हूँ इसको भाई, 200 के करीब हो जाए। अरे यार, अरे करना फाइट ब्रो। कितने में होगा यार? हो जा यार, हो जा भाई, हो जा। नाइस, लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो, लेट्स गेट द पार्टी। जेड ड्रैगन के एक कदम और नजदीक आ गए हम। चलो भाई, हो गया गाइस, दो लगे उसको, दो में हो गया लेजेंडरी वाले में। अब यहाँ से निकलना पड़ेगा अपने को, उससे मेरे को फ्लेम ऑर्गन मिले। भाई ये क्या है? अर्थ स्किल ईपिक वाला, ये क्या मिले मेरे को? ओ भाई, ये क्या मिल गया? लेजेंडरी वाला एसोल्ट राइफल का, इसका डैमेज देखना पड़ेगा। वो 6 मिले क्या? हाँ 6 मिले हैं भाई। लेट्स गो, 5 बेच दूंगा, बहुत महंगे बिकेंगे भाई, एक से बना लेंगे भाई। लेजेंडरी वाली एआर का ब्लूप्रिंट मिल गया अपने को। सही रहा अपन ने एआर नहीं बनाई। अब तो भाई साहब ऐसी एआर बनेगी, ऐसी एआर बनेगी, एक बुलेट में आधी एचपी एआर बनेगी भाई। ऐसा करते हैं, यहाँ से बेस निकाल के एस्टागोन के पास चलते हैं, और एस्टागोन के पास जाने के लिए अब एस्टागोन को ऐसा लग रहा है मैं इजी हरा लूंगा। ब्राइटनेस थोड़ा कम कर लेते हैं। ब्लेजमेंट और इग्निस को यूज करके फ्रॉस्ट एलियन पकड़ो। ठीक है भाई, और कम करो ब्राइटनेस, थोड़ा और कम करता हूँ क्योंकि ये डेजर्ट है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देती है चकाचौंध। नाइस, अब ठीक है ना। कहाँ जाना है? और आगे जाना है। क्या हमको ऊपर जाना है? ऊपर जाना पड़ेगा हमको तो, घूम के ऊपर जाने के लिए मेरे को फ्लायर लाना पड़ेगा यहाँ पे। अरे ये क्या पड़ा है? फ्रूट है क्या? अरे हाँ, नहीं, फ्रूट नहीं है। अरे मेरे को आग कैसे लग गई? अरे आग कैसे लग गई थी भाई?
भाई ये कैसी जगह है यार। डंजन में मिलेगा? हाँ ना, ऊपर मिलेगा ना, लेकिन इधर ही कहीं है डंजन। ये क्या ग्लिच हो रखी है जगह? पहाड़ पे चढ़ाई कर रहा हूँ भाई मैं। इधर ही कहीं होना चाहिए एस्टागोन का डंजन। भाई यहाँ पे सल्फर काफी सारा है, तोड़ देता हूँ यार। आया हूँ तो तोड़ ही लेते हैं, गोलियां बनाने में काम आएगा। हाँ ना गाइस, ढूंढते हैं अभी, केव ढूंढते हैं। भाई लावा के पास जाते ही आग लग जाती है बॉडी में। गाइस यहाँ पे तो मेरे को कोई डंजन दिख नहीं रहा है ना? तो मेरे को लगता है नीचे डंजन है आई थिंक। ये रहा डंजन, नाइस, दिख गया। अभी मैं अपने पाल्स को देख लेता हूँ पहले। ऐसा करते हैं, अनुबिस को रख देते हैं और ये यहाँ पे जर्मन टाइट को ले लेता हूँ, या पैन किंग को ले लूँ। पैन किंग को ले लेता हूँ ताकि उसका लेवल अप हो जाए थोड़ा। चलो पैन किंग को ले लेते हैं। ओके लेट्स गो। ये क्या है? मेटल हेलमेट स्कैमेटिक ईपिक। भाई क्या चीजें मिले जा रही है यार। सही है, चलो अब ये देखना है गाइस कि ये जो बंदा है एस्टेगोन, इससे मैं कौन से के साथ फाइट करवा सकता हूँ इसकी। ये है कितने लेवल का वैसे एस्टेगोन? 48 लेवल का है ना। थोड़ी ब्राइटनेस की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ओके जेड ड्रैगन का अंडा ढूंढो, एक तो मिलेगा लगता है। नहीं भाई, जेड ड्रैगन का अंडा नहीं है ब्रो, जेड ड्रैगन का अंडा होता ही नहीं है भाई। तुम जेड ड्रैगन को डायरेक्ट ही पकड़ सकते हो, वो स्पॉन होता है और उसको ब्रीड करवा सकते हो। यही है बस उसको तरीका जेड ड्रैगन का। अरे बहुत छोटी केव है यार इसकी तो। इतनी छोटी केव में कैसे इलेक्ट्रिक स्किल्स मिले मेरे को? ये मार नहीं रहा? अच्छा मारेगा। मेरे पे काहे को अटैक करने आ रहा है ये? अबे थोड़ी सी और बड़ी दे देते यार जगह, क्या हो जाता गेम वालों का।
चार स्पेयर है मेरे पास, देखेंगे कितने स्पेयर में काम हो जाएगा। ये क्या फेंक दिए इन्होंने? शिट। अरे खत्म कर दिया जर्मन टाइड इसने। अभी जर्मन टाइड कैसे मारा उसने? या जर्मन टाइड किसी ग्लिच होके मर गया भाई? आई थिंक वो ग्लिच होके मरा है, ऐसे नहीं मर सकता। मुझे लगा था वो हरा देगा अकेला ही इसको। ये तो मेरे पीछे पड़ गया हाथ धो के भाई। अनुबिस लाना चाहिए था, वैसे अनुबिस तो मर गया ना। इससे ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रही है फाइट, लेकिन ये मेरे पे अटैक कर रहा है ना, वो दिक्कत हो रही है यार। ये देखो मेरे को आग लगा दी उसने यार, मैं मरूंगा भाई। मैं हेल्थ रिकवर करता हूँ भाई थोड़ा। मेरा हेल्थ रिकवर हो जाए थोड़ा सा, शील्ड विल्ड आ जाए, फिर जाऊंगा अंदर। गाइज लाइक कर दो जितने भी लोग देख रहे हैं भाई। 784 हो गया उसका HP। चिलेट मर जाएगा मेरे को लग रहा है। अरे नाइस, क्या डैमेज दे रहा चिलेट उसको यार, काफी कम HP बचा है उसका। भाई थोड़ा डैमेज और देना पड़ेगा इसको। अरे यार लास्ट स्पेयर था ये मेरा, लास्ट था भाई, हो जा। ओ नाइस भाई, मेरा लास्ट स्पेयर था वो। शिट, क्या किस्मत है भाई। भाई साहब कुछ स्कैमेटिक दिया इसने? नहीं, इसने क्या दिया मुझे? भाई साहब क्या किस्मत थी यार। हेलो प्रतीक, कैसे हो ब्रो, वेलकम भाई। अच्छा हुआ मैंने लास्ट वाला एक शॉटगन मार के फिर पकड़ा, अगर शॉटगन नहीं मारता तो वो शायद लास्ट वाले में भी नहीं होता। यार मेरे सारे स्पेयर ख़त्म हो गए यार, अल्ट्रा बचे बस, और जेड ड्रैगन अल्ट्रा में नहीं आने वाला भाई, उसको लेजेंडरी लगते हैं।
चलो अपने पास कुछ तगड़ी चीज़ तो आती जा रही है अब। ओके जर्मन टाइट को घर पे रखते हैं। ये आ गया अपने पास एस्टेगोन। चिलेट ने सही फाइट ली इस बार, चिलेट भारी पड़ा उस पर। और भाई तुम्हारा रेंगलर पैनकिंग, चलो जेड ड्रैगन को मारते नहीं है, उसके वहाँ पे ये बेस पोर्टल लगा के आते हैं ताकि हम वहाँ पे टेलीपोर्ट कर सकें, है ना। तो इसको बैठाओ यहाँ पे। लेट्स गो, जेड ड्रैगन के पास जाएंगे, पिट पिटा के आएंगे। भाई फ्रोस्ट एलियन ब्रो, फ्रोस्ट एलियन इट्स नॉट अ जोक। क्या ही नहीं समझ रहे भाई, क्या ही नहीं समझ रहे। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि फ्रोस्ट एलियन बहुत इजी है? एक बंदे ने ग्लिच करके वीडियो बना दिया तो तुम लोग को लगने लग गया फ्रोस्ट एलियन बहुत इजी है। नहीं यार, इजी नहीं है वो, 50 लेवल का पाल है वो। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, मैं जब ये पकड़ सकता हूँ तो वो भी पकड़ सकता हूँ भाई। बस ये कि बड़ा एंटरटेनिंग फाइट होएगा वो भाई, मस्त मज़ेदार। अरे मैं जेड ड्रैगन से जेड ड्रैगन कैसे बना सकता हूँ? अगर मैं जैसे जेड ड्रैगन पकड़ लूँ तो मैं कैसे बना सकता हूँ जेड ड्रैगन से जेड ड्रैगन? किसी को आइडिया है? सबसे पहले वो अंडा उठाऊंगा, मेरे को बड़ा सा अंडा दिख रहा है नीचे। दो चाहिए? अरे दो जेट ड्रैगन कैसे लेके आऊंगा मैं? किसी को आइडिया है दो जेट ड्रैगन कैसे आएंगे? अरे अंडा नहीं चमक रहा था क्या? वो क्या चमक रहा था फिर? मैं बहुत नजदीक आ गया जेड ड्रैगन के वैसे। रिस्पॉन टाइम रीसेट होने के बाद, बिल्कुल सही बोले, इनका रिस्पॉन पॉइंट सेटअप होगा तब ही पकड़ पाएंगे हम दूसरा। 12 है मेरे पास अल्ट्रा स्पेयर। यहाँ ही कहीं है जेट ड्रैगन। इधर ही कहीं होता है जेट ड्रैगन, वो मेरे को देखते ही मार देगा, मैं उसके एरिया में गया तो। इधर ही कहीं उड़ता हुआ मिल जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ना एक बेस तैयार कर देते हैं ताकि मैं यहाँ पे बार बार आ सकूँ। ये क्या है? टू क्लोज टू स्पेशल बॉस फैसिलिटीज़। बॉस फैसिलिटीज़ से थोड़ा दूर जाके बना देते हैं। एस्टेगोन चिलेट इसको हटा देते हैं और कोई बॉस पोकेमोन ले लेते हैं। उड़ने वाले पे कौन भारी पड़ता है? उड़ने वाला भारी पड़ता है ना। पहले तो ये ब्लेज मत लेते हैं। चलो मेरे पास वाटर टाइप है, फायर टाइप है, एक इलेक्ट्रिक टाइप भी ले लूँ क्या? भाई मुसांडा लक्स तो वैसे नल्ला है एक तरह से, सही बताऊँ तो। ये ले लेते हैं आइस वाला चिलेट को हटा के। भाई चलो लेट्स गो गाइस,
ट्राई करते हैं अल्ट्रा स्पेयर से पकड़ने के जेट ड्रैगन को। उम्मीद पे दुनिया कायम है गाइस, उम्मीद करते हैं कि पकड़ लें, लेकिन मुझे पता है मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। बट क्या जा रहा है मजे मारने में। व्हाट द हैक, वो पत्थर तोड़ रहा है। अबे नल्ले शेर ड्रैगन को मार, वो लेटा हुआ है। अबे क्या डैमेज दे रहा है ये जेट ड्रैगन, बट अपना ब्लेज मत भी मस्त डैमेज दे रहा है भाई। सुला दिया उसने तो उसको, इतनी जल्दी डैमेज मर जाएगा ब्लेज मत, पता नहीं था, मतलब मरा नहीं लेकिन हाँ। ये 50 लेवल के पोकेमोन कुछ नहीं है क्या इसके सामने भाई? हेलो, ये क्या कर रहा है ये जेट ड्रैगन? क्या खा के आया ये जेट ड्रैगन भाई? ये तो ऐसे तुरंत ही एचपी डाउन कर रहा है भाई। पिछवाड़े में गोला मारा उसने। यहाँ पे तो मुझे लगता है ग्रास टाइप लाना चाहिए था मुझे। अरे ओ भाई ये क्या था, मुंह लेके घुस गया मेरे अंदर जेट ड्रैगन भाई। इसको ऐसे जेट नहीं बोलते, ये जेट की स्पीड है इसके अंदर। भागो, अल्ट्रा बॉल से नहीं आएगा कोई ना, ट्राई कर लेते हैं। अरे रे 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 मर गया मैं। लो भाई कर लो कर लो, इसके लिए दो बंदे लगेंगे मुझे तो लगता है यार। एक बंदा फाइट करता रहे, एक बंदा तैयारी कर ले कुछ। अरे यार ब्लेजमत को 50 लेवल का करना पड़ेगा और इसको कुछ ब्रीड वगैरह करके अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके कुछ मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हो पाएगा। मरे हुए पोकेमोन सब जिंदा हो गए, एक रहता है। यार जेट ड्रैगन का क्या तरीका हो सकता है कि उसको जल्दी हरा पाऊं? पाल बॉक्स में डाल दो बहुत सारे पाल। बॉस अनूबिस को पकड़ो, नाइस आइडिया, चलते हैं। चलो एक एआर बना लूँ क्या, मन कर रहा है यार, बढ़िया लग रही है। रुको कॉस्ट देखते क्या है भाई, लेजेंडरी वालों की कॉस्ट बहुत महंगी होती है, कॉस्ट देखेंगे ठीक है। बाकी ये बेचने वाली चीज़ें यहाँ रख देता हूँ मैं, अंडे वंडे। ये एक ह्यूज एग मिला था, इसको ओपन करेंगे क्या मिलता है इससे। बाकी केक वगैरह को यहाँ रख देते हैं। अबे ये कब मिला मेरे को, लेजेंडरी वाला स्कैमेटिक मिला मुझे, ये कहाँ से मिला? हीट रेसिस्टेंस का लेजेंडरी वाला, और मेरे पास कौन सा है, मेरे पास ईपिक है। वेट ट्राई करते हैं एक बार, है ना। इनका पहले मैं इस हेलमेट का वो देखूँगा, आर्मर कितना, अगर मेटल पाल मेटल से अच्छा हुआ तो यही बनाऊँगा फिर, ऐसे तो मैं पावरफुल हो जाऊंगा बढ़िया वाला।
ये तो बढ़िया बात है। चलो शायद चेस्ट से मिला मुझे। लेट्स सी। भाई किंग अनुबिस को ब्रीड करो। सही कह रहे हो यार, अनुबिस प्लस किंग अनुबिस को ब्रीड करवाता हूँ तो अनुबिस निकलेगा, कुछ तो बढ़िया निकलेगा। कौन सा निकला? ब्लेज होल निकला गाइस। इसको भी 50 लेवल का कर ही लेते हैं। चलो इन्वेंट्री में रखते हैं इसको। चलो गाइस मैं देखता हूँ कि मेरे को सॉरी, पहले मैं एसोल्ट राइफल की देखता हूँ कितनी है इसकी। 560 का डैमेज देगी भाई साहब, गजब डैमेज है भाई। अबे 270 रिफाइंड इनगट, पॉलीमर 67, 202 कार्बन फाइबर। ये मजाक चल रहा है क्या? कहाँ 30, कहाँ 202। चलो ठीक है, अब जरा आर्मर भी चेक कर लेते हैं फिर। अफोर्ड तो कर सकता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो जो पाल का हेलमेट था उसका 150 का डिफेंस है, लेकिन जो मेरे को मिला है ना आयरन वाला, कहाँ गया लेजेंडरी? ये देखो ये रहा मेटल। अच्छा ये तो ईपी का ना। अच्छा ईपी के तो मिला मेरे को, लेकिन इसमें तो 75 है भाई। नहीं यार ये हेलमेट अच्छा नहीं है। 75 यही वाला हेलमेट अच्छा है, पाल वाला, इसी को रिपेयर कर लेंगे। ठीक है बाकी ड्रेस देखते हैं। ये रही लेजेंडरी 168, 168 का मिल रहा है इसमें मेरे को डिफेंस मेटल आर्मर का, और रिफाइंड में है 150 का, और अभी जो मैंने पास है ये कितना 157, और इसमें कितना 168। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यार, लेकिन बनाने का देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है भाई। तो रहने देता हूँ यार ये बनाने का, रहने देते हैं। पाल मेटल आर्मर में बहुत अच्छा है डिफेंस, 220, 750 का हेल्थ है। 700 भाई मैं बना रहा हूँ भाई, पाल 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 वाला आर्मर बना रहा हूँ मैं। ठीक है गाइस इनमें से कुछ नहीं बना रहे, सिर्फ एसोल्ट राइफल बनाएंगे, उसका डैमेज बहुत अच्छा है। इनको बेच देंगे, इसको भी बेचेंगे, इसको रिपेयर करूँगा मैं। ओके नाइस। चलो अभी क्या करते हैं, पाल पाल मेटल बनाते हैं थोड़ा सा। पाल मेटल के लिए क्या चाहिए देख लेते हैं। अभी तो अपने पास ब्लेज मत है ना, तो बेस में ब्लेज मत को छोड़ते हैं। अरे ब्लेज मत का 3 किलिंग है, हट। मुझे तो लगा 4 होगा, फायर वाला है ना इसका, ये भाई 4। तीन सौ तिरसठ आ जा भाई, पाल मेटल बनाइयो। चलो थोड़ी सी हार्प बना लेता हूँ जब तक मैं। तो हो गया, ये क्या बन रहा है? इख्तियार डियर लोकोमोबो। इख्तियार स्टू नहीं, कुछ नहीं बनाते अभी। देखो ठीक ठाक स्पीड में बना रहा है, इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है इसकी, बट ठीक ठाक स्पीड में बना रहा है। आर्मर की रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी है इसकी? कितना रिपेयर? 8 लग रहा है ना, कर लेते हैं। इसमें
इसमें कितना लगेगा, इसको भी रिपेयर कर लेते हैं। और मेरे पास चारकोल आ गया है, बहुत कम चारकोल है यार। मेरे को लकड़ियाँ चाहिए होंगी काफ़ी सारी। हेलमेट पहन लेते हैं यार। पाल मेटल का स्कैमेटिक मिलता नहीं है पता है, पाल मेटल का मिल जाए ना स्कैमेटिक मज़ा आ जाए भाई, गेम ब्रेकिंग चीज़ हो जाएगी मस्त। चलो जब तक यहाँ पे फाइबर बनेगा, जब तक थोड़ा कोल लेकर के आते हैं, है ना। कोल से क्या होएगा, कोल से अपन थोड़ा कार्बन फाइबर बनाएंगे भैया, और रिफाइंड मैंगट भी बनाएंगे। इसका डैमेज अच्छा है पिकेक्स का, काफी जल्दी माइन कर देती है तुरंत। भाई अनुबिस को मशीन में कंबाइन करके एक किंग अनुबिस बनाओ, बहुत पावरफुल अटैक है उसका। वो बात तो ठीक है ब्रो, लेकिन जब तक तुम्हारे पास अच्छे स्टैट्स नहीं है ना किसी में, जब तक कोई फ़ायदा नहीं है भाई। जब तक स्टैट्स नहीं है तुम्हारे पास, स्टैट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। और मेरे अनुबिस में स्टैट्स नहीं है यार किसी में भी बढ़िया, इसलिए एक बार बॉस अनुबिस को पकड़ते हैं फिर देखते हैं ना। थोड़ा मेरे को क्वार्ट्ज भी लेके आना है यार, विदाउट क्वार्ट्ज तो रिफाइंड बनेगा नहीं आई थिंक। एस्टागोन का लगाओ काम पे, ब्रीड करके लगाएंगे, ब्रीड करके, ऐसे मजा नहीं आएगा। एक बार मेरी बंदूक बन जाए सही रहेगा फिर। अनुबिस को तो फिर ऐसी भात हाथ से ही जाके पकड़ लूंगा मैं, पाल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं यार नहीं पकड़ पाऊंगा, 45 लेवल का है वो, छोटी मोटी चीज नहीं को भैया। अनुबिस ये रहा अनुबिस। लगाएंगे ब्रो लगाएंगे, माइनिंग पे सबको लगाएंगे। बेचने वाला सामान इधर रख देता हूँ, एसोल्ट राइफल बनाएंगे। एसोल्ट की एमओ मेरे पास 12 है सिर्फ, तो बहुत नकली बात हो गई। एमओ बनाने के लिए क्या चाहिए, रुको एमओ बनेंगी, मेरी एमओ खुली भी है एसोल्ट राइफल की, ओके ओपन है। गन पाउडर चाहिए ना, गन पाउडर आई थिंक इसमें बनेगा। ये रहा गन पाउडर, चारकोल और सल्फर, सल्फर तो मेरे पास बहुत है, चारकोल चाहिए ना बस। कहाँ गया वो, अरे ठंडक ले रहा यार, ठंड पा ठंड पा।
जब तक ये ठंड पा रहा है। ओ भाई विक्सी यार, इसके स्टैट्स कितने अच्छे हैं विक्सी के। ओके गाइस, दोबारा जा रहे हो करने। गाइस इसको बेस पे छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं बेस पे। अच्छा जा कबूतर जा, गन बनेगी गन। पॉलीमर और कार्बन फाइबर। पॉलीमर के लिए क्या चाहिए था? पाल ऑयल। चलो पॉलीमर तो बन जाएगा। चेले आ गए, चेले स्पीड में काम करने वाले चेले। एमओ बाय कर लो, एमओ बाय कर लेते। सही कह रहे हो, बनाने से अच्छा ना बाय कर लेते हैं एमओ, सही रहेगा, थोड़ा इजी पड़ जाएगा अपने को। चलो बाय करके लाते हैं एमओ। अनुबीस मजदूर, हाँ भाई उनसे ही करवा रहा हूँ मैं मजदूरी आजकल। ये रही, बड़ी महंगी एमओ है पता है, बहुत महंगी एमओ है इसकी और खत्म भी बहुत जल्दी होती है। चार सौ ले लेते हैं, 60,000 रुपये की पड़ी है। रिंग ऑफ फ्लेम रेसिस्टेंस, चलो आ गई अपने पास 400 एमओ। ये फाइबर वाइबर भी मिलता तो कितना सही रहता ना। पॉलीमर भी आ गया, अब आ जाओ चेलो। दो ही चेले आ रहे हैं, तीसरा कहाँ है? तीसरा बंदा कहाँ है भाई? तीसरा माइनिंग में बिजी है। बना भी दिया, अरे बहुत बढ़िया। ये लो गाइस आर्मर आ गया है, मेरा हेल्थ हो गया है 430, मतलब 4,300। 220 का आर्मर है इसमें भाई साहब, बहुत पावरफुल आर्मर है ये, हल्के में मत लेना इसको। थोड़ा सा कार्बन फाइबर बना लेते हैं, लगभग 200 के करीब। ठीक है आ जाओ भाई, चलो तीनों आ जाओ, तीनों आ रहे हैं ना, नाइस तीनों आ रहे हैं। मैं भी लग जाता हूँ और जल्दी बनेगा। मैं ग्रेजुएट हो गया स्ट्रीम देख देखते, बट प्रियोरिटी स्टडी है। सही बात है शिव भाई, स्टडी नहीं तो कुछ नहीं इंडिया में। मम्मी कहाँ थे भी? कहाँ? दीपा कहाँ जा रही? अरे आप बनेगी हमारी एआर। डू 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 भाई लेजेंडरी वाला मिला यार, क्या किस्मत है ना वैसे देखा जाए तो। मतलब ईपिक नहीं, अनकॉमन नहीं, सीधा रेयर नहीं, सीधा लेजेंडरी। वाह क्या सीन है भाई, जुए थोड़ी ढूंढनी है।
पॉलीमर रहता है कितना? एक पॉलीमर की कमी रह गई, शिट। एक पॉलीमर बनेगा? नहीं, एक पॉलीमर बनाने के लिए मुझे दूसरे बेस पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे। यहाँ के सारे पाल्स गुड कंडीशन में हैं। यहाँ पे अपन को ऑयल मिलेगा यार, ऑयल होना तो चाहिए यहाँ पे। ये है भैंस, ये मछलियाँ ऑयल देनी चाहिए इनको, ऑयल नहीं है यहाँ पे। ऑयल जा खा रहा है फिर। यार ऑयल कहाँ है? ऑयल तो है ही नहीं यहाँ पे। नहीं है ऑयल। मछलियों को क्या कमांड दी है मैंने? ये पाल ऑयल गिराती है, मछलियां गिरा क्यों नहीं रही? पता नहीं क्यों नहीं गिरा रही। और किससे मिल सकता है मुझे पाल ऑयल जल्दी? डेजर्ट चलते हैं, डेजर्ट से मिल जाएगा। बाय कर लो यार, कब तक ये चीज़ें बाय करता रहूँगा मैं? छोटी छोटी चीज़ें कंगाल हो जाऊँगा भाई। एक सेकंड लगेगा, मैं फटाफट फार्म करके ले आता हूँ, तुरंत मिल जाएगा मेरे को, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास अच्छे पोके बनो, तुरंत ही मार देंगे उनको। यहाँ मिल जाएगा मेरे को, मेमोरस से मिलेगा। हाँ मेमोरस से मिल सकता है, मेमोरस से, और वो मछलियाँ जो होती है ना उनसे भी मिल जाता है। देखो ये रही, मोमंडो पोमंडो जो भी है। अब ओ अरे भाई, अच्छा हुआ मैंने अल्ट्रा नहीं फेंका, लेजेंडरी सेलेक्ट हो रखा है भाई। मुझे लगा ले भाई हो गया काम। तीस हो गया। आई वॉन्ट मोर। इसे बोलते हैं फार्मिंग, अत्यंत तुरंत।
शिट, पूरा शील्ड तोड़ दिया इन्होंने मेरा भाई। आर्मर खराब करेंगे मेरा ये। चलो हो गया हमारे पास काफी सारा। ओ अच्छा अंडा आया वहां पे। देखो कितना बड़ा अंडा है, देख रहे हो, ह्यूज आएगा, ह्यूज ड्रैगन एग। मुझे लगता है गाइस अपने को वो मिलेगा, इससे फायर वाला मिलेगा। ड्रैगन एग मिला अपने को, चलो घर की तरफ निकलते हैं। गाइस फायर वाला मिलेगा उससे तो। आपका नया वाला आर्मर है, हीट रेसिस्टेंस नहीं है। हाँ वही तो, तभी तो मैं रात में जिंदा हूँ ब्रो, दिन में हो नहीं हो पाता जिंदा। तो जेट ड्रैगन को कैसे पकड़ पेलूँगा? आई थिंक इसमें हीट रेसिस्टेंस और दोनों चीज़ें मिलती है। आई थिंक इसमें ना हीट रेसिस्टेंस और वो दोनों चीज़ मिलती है पाल वाले में, या नहीं? लेवल वन की मिल तो रही है इसमें, हीट रेसिस्टेंस लेवल वन और कोल्ड रेसिस्टेंस लेवल वन। लेवल वन की हीट रेसिस्टेंस और लेवल वन का कोल्ड रेसिस्टेंस दोनों चीज़ें मिल रही है इसमें, नॉट सो बैड। गाइस लाइक नहीं हो रहे क्या यार, लाइक नहीं हो रहे क्या भाई? अंडा हैच करके आता हूँ भाई। ये लो गाइस एक और जर्मन टाइड, लेट्स गो इनक्यूबेट जर्मन टाइड इग्निस। एक और इग्निस आएगा बेस पे भाई, दो हो जाएंगे। मेमोरेस्ट को लेवल अप करते हैं, चलो काम आ ही जाता है मेमोरेस्ट भाई। अभी मेरे को चाहिए एक फ्लायर पोकेमोन चाहिए मुझे। रुको थोड़ा बेस पे पोकेमोन छोड़ देते हैं। गन बनाओ, यस ब्रो आप गन ही बनाऊंगा। अरे ये बचा लेगा ये आर्मर ब्रो मेरे को। एक पॉलीमर बनाना था मुझे।
आ जाओ जल्दी आ जाओ। किसको थी सिकनेस? ये सिकनेस खत्म नहीं होगी इसकी यार। इसकी सिकनेस खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं? अरे भाग गए क्यों? आधी बनी है ब्रो अभी। हेलो 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 हेलो। अरे यार एनर्जी खत्म हो गई। पिकाचू कहाँ गया? एक पिकाचू छोड़ तो रखा था मैंने यहाँ पे। जाना करंट मार उसमें ब्रो, छोटा सा पिकाचू भाई। उसकी चार्जिंग खत्म हो गई। जैसे चार्जिंग शुरू होगी भागेंगे सब, पता था मेरे को भाई। बड़ा पोकेमोन छोड़ना पड़ेगा यार एनर्जी पे, इससे संभाल ही नहीं जा रही एनर्जी। बड़ा छोड़ता हूँ, रुको, ये मुसांडा छोड़ता हूँ। बनने वाली है बंदूक। भाई बंदूक बनाने में कितना टाइम लग गया इनको यार, तगड़ी बंदूक है लगता है। लेट्स गो। बंदूक तो है भाई साहब, इसको हटाओ। लेट्स गो। एक्सेसरीज में मैं एक चीज और पहन सकता हूँ। ये बेचेंगे इसको एक्सेसरीज में। यार एक अच्छी एक्सेसरीज अभी तक मिली नहीं मुझे कि बढ़िया सी मिल गई हो। अरे हाँ मेरे को स्पेयर बनाने थे ना थोड़े। 95 पाल मेटल हो गया है, लेजेंडरी स्पेयर बना लेता हूँ थोड़े। ये रहे कितने बनेंगे? 11 बन रहे हैं। चलो 11 बना देते हैं जब तक ये पत्थर यहाँ से हटा देते हैं। इनके स्टैट्स क्या मिले हैं मेरे को इग्नाइस के? ब्रेव इंस्टल्ट बॉडी कुछ खास नहीं मिले हैं, ठीक है। लेकिन जो भी है चलो गाइस अनुबिस को पकड़ते हैं
और मैं ट्रैवलिंग के लिए ये ले लेता हूँ अपना, पैनकिंग को छोड़ते हैं और ट्रैवलिंग के लिए कहाँ गया मेरा वो घोड़ा, घोड़े भैया घोड़े, ये रहा घोड़ा। चलो देवू गिर जाएगा, ओ यहाँ से अनुबिस बहुत क्लोज है मेरे यहीं से ही, बट यहाँ से कुछ ज्यादा का नजदीक पड़ेगा। चलो करेंगे ब्रो करेंगे। कि भाई पानी में भी उछलता है, देख रहे हो फिजिक्स, ये गेम भी माइनक्राफ्ट से कम नहीं है। ऐसा लगता है मैं अनुबिस को इजी पीजी पकड़ लूंगा, लेट्स सी कितना इजी पीजी होता है। यहाँ पे इतने भीड़ क्यों है भाई? अरे मेरे को नहीं मारना ब्रो, हाय रे कितना नल्ला वाला डैमेज दे रहा है ये, 7 का 6 का डैमेज। क्या बचाऊं मैं इसके मुक्के से? भाई मैं मोरेस डूब के कहीं मरने के लिए, तेरे पास है कुछ चीज? मेमोरीज तो टट्टी है भाई। हाँ ये हुई ना बात थोड़ी सही, ये है कुछ टक्कर का। अरे मैंने यहाँ पे बेस सेटल नहीं किया यार, शिट। अरे उसको क्या हो गया, एक जगह पे स्टक हो गया वो। ओरे भैया ये तो गजब है भाई ए यार। ओ माय गॉड ए यार तो जबरदस्त है भाई।
हेडशॉट। बचा बचा बचा। टीपी मार रहा है ये बहुत। भाई मेमोरिस्ट को अपनी खेती बाड़ी करनी है, मैंने फाइट के लिए निकाला उसको ताकि उसका लेवल अप हो जाए, वो अपने ही मस्ती में है भाई। भाई ये झेल नहीं पा रहा है नूबिस इसको। तेरी मैया की अनुबिस, कुत्ते के बच्चे। ये क्या हुआ यहाँ पे? वाह भाई भाई, उसको कैच करने ही वाला था यार मैं, मेरे को फायर वाला यूज नहीं करना चाहिए था यार। ये क्या हो गया यहाँ पे? गंदा वसूली हो रखी है यहाँ तो। अबे ये सब मार दिए। चलो इतने पोकेमोन छोड़ूंगा, इतने छोड़ूंगा, टट्टी निकल जाएगा तुम लोग की। क्या बोलती पब्लिक, फार्मिंग चल रही है। गए मर गए सब। वो भाग रहे हो, तुम्हारी क्यों भाग रहे हो आप, क्यों भाग रहे हो? भाग गए। अबे ये क्या देखे गए, रिंग ऑफ अर्थ रेसिस्टेंस। भाई वो भाग गए साहब के साहब, मतलब फाइट उनसे ली नहीं गई, भाग गए डर के। कितनी दवाई मची।
मैं जेड ड्रैगन के साथ कर दूँ तो ऐसा कुछ क्या बोलते हो? अरे यार, ये इतनी सारी रिंगें क्या कहाँ से मिल गई मेरे को? ये रिंग ऑफ अर्थ मेरे को उससे मिलेगा, अनुबिस से? ये तो महंगी बिकेंगी, रेयर वाली है भाई, लग तो रहा है महंगी बिकेंगी, तो बेच देनी चाहिए मेरे को, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अरे यार, टाइम भी हो गया पता है लाइव स्ट्रीम का, मेरे को 2 घंटे ही करनी थी, एक्स्ट्रा हो गए। चलो अनुबिस को फिर कभी मारने आएंगे, इस बार तो धोखा दे दिया यार अनुबिस ने। कितनी देर में स्पॉन होगा अब ये देखेगा? ये रेसिस्टेंस मिला, पेल्ट आर्मर बेकार है। कितनी देर में होगा स्पॉन लिखा नहीं आता क्या? सो पॉल्स लोकेशन मार्क, पता नहीं कितनी देर में रीसेट होता है गाइस, शायद कभी रीसेट नहीं होता, मे बी देखना पड़ेगा। सो के आ जाओ, हो जाएगा, नहीं होगा भाई, या हो जाता है। फिर ये सब क्यों नहीं रीसेट हुए मैंने ये पकड़े हुए? अगर रीसेट हो जाता है तो चलो, रात होएगी तो सोएंगे, अभी तो सोना बेकार है। मगर बहुत बुरा लगा भाई, दिल से बुरा लगा यार। बाकी ए आर मस्त है ये। चलो थोड़ा सामान बेच के आते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद लाइव स्ट्रीम को एंड करेंगे। ये इतनी सारी अंगूठी तो भाई अपने को रखनी है, जो चीज़ बेचने के वो ले लेता हूँ सिर्फ, ये अंगूठियाँ बेच देंगे। नीचे रख देता हूँ जो जो चीज़ बेचने की है ऐसे, और जो जो रखने की है उनको रखते हैं ऐसे। देखते हैं कितनी कमाई होती है। ये भी बेच देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है, इसको तो लर्न कर लेते हैं। और क्या बेच सकते हैं? हाँ ये पॉइजन, ये बेच देते हैं, वैनम ठीक है। चलो इतना सामान बेचने लायक ठीक है। और हाँ एमरल्ड भी बेचेंगे, पर्ल भी बेचेंगे, और क्या है यहाँ पे बेचने लायक? और कुछ नहीं है बेचने लायक। मेरे को ना एक डेजर्ट वाला खोलना है यार, यहाँ पे भी है एक मर्चेंट, वहाँ पे मेरे को पता नहीं है क्या रेट मिलता है सामान का। एक अर्थ रेसिस्टेंस रखी तो है एक, देखो ना ये अर्थ अर्थ और मर्सी दोनों रखी हुई है,
क्योंकि मेरे को पता है ये मिलती नहीं है भाई, अपने को मिल गई। चलो सेल करते हैं सामान, देखते हैं कितने रुपए मिलते हैं। एक रिंग देखते हैं कितने की बिक रही है। एक रिंग 1,000 की बिक रही है, नोट बैड। और जो स्कैमेटिक था भाई, स्कैमेटिक भी 1,000 का बिक रहा है। और शॉटगन, शॉटगन देख रहे हो भाई, 15,000 की बिक रही है हमारी शॉटगन। सही है यार। और आर्मर कितने का बिक रहा है? 885 का आर्मर बहुत बेकार बिक रहा है यार। एमरल 6,000 के, पर्ल 54,000 के। काफ़ी कमाई होने वाली है ऐसा लग रहा है मुझे, सही कमाई होने वाली है। मतलब कुल मिला के 1,50,000 की कमाई हो रही है भाई। हाँ पेंडेंट भी, अरे ये नहीं बेचे क्या 27,000 के? चलो गाइस अपने पास हो गए हैं 2,60,000 हो गए हैं वापस से। सो नॉट सो बैड, फ्री का पैसा है इतना सारा, मतलब मेहनत की कमाई है भाई, फ्री तो क्या है। चलो गाइस अपने को लगता है आज तो जेट ड्रैगन नहीं हो पाएगा, टाइम निकल गया, 2.5 घंटे की स्ट्रीम हो गई है, 2 घंटे के सोच के करने आया था। बाकी आप लोग बताओ यार, आप लोगों को ये वाला बेस कैसा लगा? मस्त है ना, बढ़िया बेस है। इस पे ज़्यादा चीज़ें नहीं है अपनी, मतलब सब कुछ है, कोई फालतू की चीज़ नहीं है, बस ये है। क्या बोलती पब्लिक? ये और ये उठा लेते हैं, दूध भी उठा लेते हैं, काफ़ी सारा दूध हो गया। हनी भी उठा लेते हैं, और यहाँ से टमाटर उठा लेते हैं, बैरी उठा लेता है, ये उठा लेता है, ये उठा लेते हैं। अंडे भी ले लेते हैं, थोड़े थोड़े अंडे ले लो, थोड़ी बैरी रख देता हूँ यहाँ पे, है ना, या बैरी भी ले ही लेता हूँ, ये रख देता हूँ यहाँ पे। यस ब्रीडिंग करो प्लीज यार। मैं सच बताऊँ, मैं थक गया हूँ यार, मैं थोड़ा ना थकने के बाद यार मन नहीं लगता है फिर काम करने में, मतलब स्ट्रीम करने में थकावट सी हो गई है। नेक्स्ट टाइम एनर्जी के साथ करेंगे ना, क्योंकि यार गाइस मैं वर्त रखता हूँ ना, मैंने नौराते रखे हुए हैं, तो पास्ट फास्ट की वजह से थोड़ा थक जाता हूँ मैं, डलनेस सा फील होता है, इसलिए नेक्स्ट टाइम स्ट्रीम करेंगे अब। ठीक है, इसको इधर ही रखते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा सामान कर लिया है केक का। केक तो बहुत सारे बनेंगे भाई, अब बन के बनाने के लिए छोड़ जाता हूँ ना, ताकि अगली बार आऊँ तो बने बनाए मिल जाए अपने को सब बढ़िया काम। कितने सारे पाल मेटल हो गए, 5 तो इसमें बन रहे हैं। फ्लावर की कमी है, बाकी चीज़ों की कमी नहीं है अपने पास। फ्लावर आते के साथ ही बहुत सारे केक बनेंगे, करीब 25-30 केक बन जाएंगे भाई। बेस पर ज़्यादा पाल छोड़ो भाई। अरे मैंने सिर्फ वही छोड़े जिनका काम है ब्रो, फालतू के छोड़ के क्या फ़ायदा यार। देखो अभी सिर्फ 4, 5, 6, 7, 8 पाल है मेरे पास बेस पे, और जबकि मैं बेस पे पता है 50 पाल से ज़्यादा रख सकता हूँ, 50 रख सकता हूँ, ये मॉडेड की वजह से है। कुछ पोकेमोन को लेके सो जाते हैं। अगर मैं सो के उठ जाऊँ तो क्या वहाँ पे अनुबिस स्पॉन हो जाएगा? देखें एक बार, ट्राई करें, लेट्स सी। देखते हैं अनुबिस स्पॉन हुआ वहां पे, नहीं यार डिफीटेड दिखा रहा है, अनुबिस डिफीटेड दिखा रहा है। इसको रीसेट करने का कुछ तो सीन होता है, वो कर लेंगे अपन। साइकिल बना, साइकिल क्या, साइकिल कहाँ है इसमें, साइकिल है क्या?
कहाँ है भाई? साइकिल वाइकिल कुछ भी नहीं है यार। आपके लेजेंडरी रॉकेट मिला? कहाँ मिला लेजेंडरी रॉकेट? नहीं मिला नफीस भाई, रॉकेट नहीं मिला। अनुबिस हो जाएगा, जाओ कहाँ। अरे नहीं होगा भाई, वो दिखाई नहीं रहा है, डिफिटेड दिखा रहा है। देखे एक बार जाके वहाँ पे। अरे हाँ वो तो खड़ा है वहां पे। अरे वो रहा अनुबिस, सही कह रहे थे यार तुम तो, डिफेटेड लिखा रहा था, लेकिन ये तो खड़ा है इधर भाई। पकड़ लेते हैं इसको फिर तो। मैं ब्लेजमत से ही भिड़वाऊंगा इसको, ब्लेजमत ने अच्छा मारा था इसको। बेटा बच के दिखा तू ब्लेजमत से। एक पोकेमोन और रख लेता हूँ एक्स्ट्रा, चिलेट रख लेता हूँ। ये घूमने के लिए, टहलने के लिए निकल गया क्या? ओ गुस्से में आ गया अनुबिस भाई, आ गया वो। भाई इनके अलग चोंच ले। अरे मेरे को गर्मी लग रही है भाई, शिट। मतलब यहाँ पे भी सरवाइव नहीं कर सकता मैं। ओके मेरे को वो अपनी वो बुरशेट बेचनी नहीं चाहिए थी, वो बुरशेट की वजह से बचा हुआ था मैं, पता है। हाँ वो बुरशेट की वजह से बचा हुआ था भाई मैं। इतने तो मैं इसके एचपी कम कर ही नहीं पाऊंगा जब तक मैं, शायद मर जाऊंगा मैं। स्वीट ड्रीम, टेक केयर स्वीट ड्रीम स्वीट मेरा भाई। एचपी रिकवर हो जाए फिर जाऊंगा वापस से। मुझे लगा था कि गर्मी बचा लेगा मेरे को ये वाला आर्मर, बट नहीं बचा पाया। नेक्स्ट में बनाएंगे रॉकेट लॉन्चर नेक्स्ट स्ट्रीम में, ठीक है। शायद उसने अपना एचपी रिकवर कर लिया होगा अनुबिस ने, शायद। क्या ऑब्वियसली सी बात है, कर ही लिया होगा वो तो।
कर लिया शायद से। गाइस मैं अनुबिस को नहीं मार पाऊंगा अभी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। देखो ये इसको निकालने से लग रही है मेरे को गर्मी, अगर मैं चिलेट को निकालूँ तो। देखो अब नहीं लग रही गर्मी। शिट अरे जल्दी रिचार्ज हो जा शील्ड। भाई बहुत बोट एम बोट है इसके पास। नाइस अटका रहा है वहाँ पे जब तक मेरा फैंगलब थोड़ी सी एचपी वो कर लेगा। अरे भाई मैं नहीं कर रहा यार इसको, छोड़ो छोड़ो भाई छोड़ो। कल करेंगे भाई, आज किस्मत ही खराब है, आज नहीं कर सकते भाई आज। अभी वो बंदा 1 HP बचा है और मैं उसको कैच करने वाला हूँ। वो बंदा मेरे बॉल को डोस करके मुंह पे मुक्का मारता है मेरे और मैं मर जाता हूँ। हाँ यही कर लो भाई तुम, ठीक है। चलो गाइस अब नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं भाई, एक अच्छा सा गोल लेके आएंगे। ये तो बेकार बात हो गई है, मज़ा नहीं आया आज, अनुबीस ने बहुत खटिया खड़ी कर दी। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग एंड हाइपर गेमिंग थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्टिंग। चलो गाइस शुभरा भाई मिलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट में करेंगे गाइस ब्रीडिंग और जेड ड्रैगन को पकड़ना नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। एक बार जेड ड्रैगन हो जाए ना भाई फिर तो मैं सारे पाल्स को इजी मार पाऊंगा, क्योंकि
क्योंकि उसमें फायर कैनन होता है ना, कुछ ऐसे कुछ होता है। चलो गाइस बाय, चाओ चाओ।